ये आशा कोरोना समय के समय देशवासी को बचाया। प्रोविडेंट फंड, पेंशन, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ नहीं है। इस लास्ट बजट में 375 करोड़ कटौती हो गया। ये राउंड द क्लॉक काम करते हैं कि हमारे न्यूनतम वेतन 26,000 हो और हमारे सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अगर हमारी नहीं सुनी सरकार ने, हम नीचे उतारने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। मौजूद हूं जंतर मंतर पे, जहां पे आशा वर्कर्स जो हैं पूरे इंडिया से, पूरे भारत से आई हुई हैं। हजारों की तादाद में यहां पे अपनी मांगों को लेकर आई हुई हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल इंडिया की जो आशा वर्कर्स की हैं जनरल सेक्रेटरी। तो आइए उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या कुछ वो सरकार से उम्मीद जो है वो लेकर आई है। क्या लगता है, सरकार पूरा करेगी या सरकार पूरा नहीं करेगी? तो उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना। पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगन टीवी में, और दूसरा क्या कुछ आप मांगे लेकर आई हैं? पहले मैं बोलती हूँ, या इस संघर्ष रैली में हम लोग क्यों आए हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि इस जो सरकार चल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार बोधी और अंधा सरकार है। ये आशा कोरोना समय के समय देशवासी को बचाया, उस समय उन्होंने जो काम किया, इस काम से लेकर अंतर्जातीय स्तर से उसको ग्लोबल लीडर रखा दिया, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से उसको कुछ नहीं मिला। उसको अभी तक वॉलंटियर बोल रहा है, उसका श्रमिक और कर्मी को सम्मान नहीं दिया, उसको कुछ नहीं है, छुट्टी नहीं है, उसको जो सामाजिक सुरक्षा, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट कुछ नहीं है। अभी उसको जो प्रोजेक्ट में, जो स्कीम में काम करते हैं, ये काम हर बरस कटौती करते हैं बजट में, उसका एलोकेशन। इस लास्ट बजट में 375 करोड़ कटौती हो गया, तो ये प्रोजेक्ट रक्षा होगा क्या ना होगा, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग यही संघर्ष रैली से जो मांग पत्र देंगे, हमारा फर्स्ट जो डिमांड वो NHM को परमानेंट करो, मतलब जो आशा वर्कर हैं आप ये चाहते हैं उनकी जो नौकरी हो वो परमानेंट हो जाए और कर्मचारी कहलाए जाए, जिसका उनको अभी तक जो है मौका नहीं मिला। यस, 45 और 46 ये दो श्रम सम्मेलन के बोल दिया कि प्रोजेक्ट वर्कर को वॉलंटियर नहीं, श्रमिक को मर्यादा दो, लेकिन ये देश का सरकार अभी तो क्या नहीं किया। और ये NHM प्रोजेक्ट परमानेंट हो जाएगा तो आशा वर्कर को परमानेंट हो जाएगा, और उसको जो सभी मांग है, सामाजिक सुरक्षा, छुट्टी, ये सभी वो मिल जाएगा। हम लोग और मांगते हैं कि GDP को 6%, ये स्वास्थ्य के जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में खर्च करना होना चाहिए। ये जब तक नहीं करेंगे, आशा को कर्मी को ये तनख्वाह नहीं बढ़ेंगे, उसको जो फाइनेंशियल एड मिला चाहिए उसको नहीं होंगे। क्या लगता है, अभी जैसे मैंने पहले भी बात की और भी महिलाओं से यहाँ पे, उनका कहना है हमें कोई तनख्वाहें नहीं मिल रही है, हमें सिर्फ एक इंसेंटिव मिल रहा है जो हम काम करते हैं। एकदम ठीक है, क्योंकि ये सब तो बोलते हैं सरकार वॉलंटियर है, इसीलिए इसको तनख्वाह नहीं देते हैं, इंसेंटिव। ये राउंड द क्लॉक काम करते हैं, गर्भवती महिला को लेकर अस्पताल जाते हैं, जब वो संतान संभव होते हैं तब उनके लिए सब काम, सब जो उसके लिए जो फंक्शनिंग है सब ये लोग करते हैं, लेकिन वो जो मिलते हैं वो तनख्वाह नहीं, इंसेंटिव। वो एक गर्भवती को प्रसव करने के बाद वो इंसेंटिव मिल जाएगा, एक गर्भवती को शुरू से आखिर तक जब तक साथ रहेंगी तो इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, फ्री से फ्री के। इसीलिए तो बोलता है ये वॉलंटियर वर्कर, ये तकमा लगा कर यही ऐलान कर दिया कि तुम वॉलंटियर वर्कर हो,
तुम काम करेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं करेगा तुम्हारा काम समाप्त तो नहीं होगा तो तुम्हारा पैसा हम लोग एक पैसा नहीं देंगे। अच्छा, अगर बात की जाए एक तरफ महिलाओं का जो आरक्षण बिल जो है वो पास किया है मोदी सरकार ने, और दूसरी तरफ देश की मैं देख पा रही हूँ कि शायद ये हजारों लाखों की तादाद में इस वक्त यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। एक तरफ आरक्षण की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ कहते हैं बराबरी का, क्या लगता है मोदी सरकार में बराबरी मिल रही है? नहीं, पहले तो मैंने बोलती है कि ये आरक्षण जो दिया है ये तो मुख का भाषण है, वो तो अभी तक नहीं है, वो तो बोला 29 में होगा, तो आरक्षण तो नहीं है अभी तक। और ये आरक्षण के लिए तो हम महिला हम लोग ये सभी सारा देश में लड़ाई करती है बहुत दिन से लड़ाई करने के बाद वो मोदी सरकार जस्ट मुख खोला, वो मुख से वो घोषणा किया और वो क्या आरक्षण देंगे, ये शुद्ध आशा के तरफ देखो, वो आशा गर्भवती महिला के लिए काम करते हैं, ये सब महिला को माँ होने का अधिकार है लेकिन उसको मातृत्वकालीन छुट्टी नहीं है, क्या आरक्षण देंगे? मातृत्वकालीन छुट्टी नहीं है, महिला को कोई सुविधा नहीं मिलता है तो वो हम लोग पार्लियामेंट में आरक्षण लेकर क्या करूंगी? तो अभी वो सब देंगे, महिला को सुविधा देंगे, महिला को सुरक्षा देंगे, तब हम लोग बोलेंगे वो जो अरे संरक्षण दो वो पूरा करो, 24 में ही वो पूरा करो, 29 तक हम लोग वेट नहीं करूंगी। अच्छा, अगर आप लोगों की तनख्वाहें नहीं होती हैं या आप जैसे आप तनख्वाह के लिए आए हैं, वेतन के लिए आए हैं, अगर वो वेतन सरकार की तरफ से आपको नहीं दिया जाता है तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हम लोग तो बोलते हैं ये सरकार नहीं चाहिए, जे सरकार हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार इतना खून चूसता है, ये सरकार का क्या हम लोगों का प्रयोजन है, ये सरकार नहीं चाहिए। हम लोग इसीलिए बोलते हैं अभी तुम सुधरो, अभी तुम मांग पूरी करो, अभी तुम महिला को सम्मान दो, तभी हम लोग ये चिंता करेंगे कि अगले 26 को आपको आनेंगे क्या नहीं आनेंगे। हम लोग यही कहते हैं ये सरकार कृषक के लिए, महिला के लिए, सब श्रमिक के लिए, खेत मजदूर के लिए, सभी के लिए शत्रु बन गया। क्या कहेंगे आप जिस तरह से आशा वर्कर की बात हो रही है, पूरी भारत से जो है यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं, क्या लगता है कहीं ना कहीं देखा जाए, कितने साल हो गए देखा जाए आपको जॉब करते हुए? 2005 से लगे 18 साल हो गए, 2000 रुपए मिलते हैं वो भी इंसेंटिव है। हमें पहले टीकाकरण गर्भवती के लिए रखा गया था और हम टीकाकरण से लगाए गर्भवती, शिशु मृत्यु दर कम, मातृ मृत्यु दर, कुष्ठ रोग मलेरिया की स्लाइड बनाना और टीबी की जांच कराना, कोविड में सब में हम ऐसा काम करती है लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। हमारे तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारे न्यूनतम वेतन 26,000 हो और हमारे सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब सरकार हमसे सरकारी काम कराती है तो हमें कमीशन क्यों देती है, सरकारी घोषित क्यों नहीं करती? अगर आप चुनाव आ रहे हैं, मोदी सरकार से विनम्र निवेदन है, अगर हम आप हमारी नहीं सुनेगा तो सरकार आने वाली नहीं है। हर आशा के पास 1,000 की आबादी है, उसके रिश्तेदार भी है, हम इसे नीचे उतार कर रखेंगे अद्धी से। अगर हमारी नहीं सुनी सरकार ने, हम नीचे उतारने का काम करेंगे। अरे कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटी नहीं है क्या जो रोडों पे पड़ी है, ये क्या है? सशक्तिकरण कहाँ है? सशक्तिकरण दिख नहीं रहा। अरे महिला समानता, बेटी समानता तो इनकी पुकार तो सुनता, बहन जी 2,000 रुपए में दाम एक सिलेंडर ही भरा है, नो मतलब बच्चों की पढ़ाई रही, खाना कुछ भी नहीं कर पाते, हम घर वालों से भी कुछ नहीं मांग सकते कि तुम तो सर्विस करती हो, जो भी स्वास्थ्य विभाग का काम है समुदाय तक कौन पहुंचाती है? हमारी आशा। और जो समुदाय से सूचना मिलती है कौन पहुंचाती है? आशा। अरे ये इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहे ना, सब घर बैठ जाएंगे अगर आशा बैठ गई तो। डॉक्टर थे और बाबू थे, ना BCPM थे, ना BPM थे, ना DCPM थे, ना CHO थे, ना संघ थे, एक संघनी आशा की बदौलत ये सब लोग खा रहे हैं, कहाँ से खाएंगे? अभी हमारा विनम्र निवेदन है, हमारी सरकार सुन लीजिए, नहीं हम कल ही जाकर काम का बहिष्कार करेंगे, कोई भी आशा कोई काम नहीं करेंगे, अपने घर बैठ जाएंगे, कुछ भी काम कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे, पर आशा का काम नहीं होगा। आशा का काम नहीं, बहन जी आशा क्यों लगाई थी? इन आस के लिए
आशा एक लाश थी, आशा ने आश करके दिखाई, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुनी, हमें निराश कर दिया, हम निराश कर दिए, हम इतने रोष में हैं अब जब हम आशा काम ना करेंगे ना अपने क्षेत्र में करने देंगे। और जो ये नारे लग रहे हैं कहीं मिड डे मील के, कहीं किसान मिल के, यहाँ सब परेशान आशा बहने हैं, आशा का जिक्र होना चाहिए। और नहीं, हम खुद लड़ाई झड़ना जानते हैं, हम खुद ही अध्यक्ष हैं, सब आशा अध्यक्ष हैं, 18 साल हो गए, सब पे बोलना आता है, सब कुछ झेल रही है, सब दुख झेल रही है। अरे हम अपने एक नौकरी करने लगते, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते, अच्छी शिक्षा देते, कहाँ से शिक्षा दें, कहाँ से दें, मोदी बिल्कुल फ्री में करा रहा है। बहन हम गोल्डन कार्ड बनाया, सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक ड्यूटी, कौन महिला कर देगी, घर जाएगी, खाना नहीं करती, डिलीवरी का फोन आगा, उसे लेके भाग ली। आज तक गोल्डन कार्ड का, आयुष्मान का कोई पैसा नहीं मिला, गोल्डन कार्ड का इस्तेमाल हुआ ही ना, आज तक आशो को एक पैसा नहीं मिला। अब आभारी बनवा रहे हैं, जब हम कमीशन बैठे तो कमीशन का पैसा तो दो, वो भी नहीं, कमीशन का पैसा भी नहीं दिया जा रहा, नहीं देता। आप संचारी रोग करवा रहे बहन जी, 10 रुपए एक दिन के, 10 रुपए एक दिन में तो बच्चे पे सामान मंगाओ, एक दुकान पे जाने के 10 रुपए ले लेता है, 10 रुपए में आशा खरीद रखी, श्रम की बात है ये, इनका महिलाओं को माता बहन मान रहे हैं क्या, कुछ नहीं होगा ये। अब आशा पूरे रोष में है, बिल्कुल आशा कार्य बंद, आशा कार्य बिल्कुल बंद। अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की, जिस देश में बात की जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और साथ साथ में महिला आरक्षण बिल भी लाया जाता है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन देखा जाए फिर भी पूरे भारत से हजारों की तादाद में यहाँ पे आशा वर्कर जो मौजूद है, जिनको सिर्फ एक वर्कर बोला जाता है, जिनको कर्मचारी का दर्जा भी नहीं दिया जाता, वॉलंटियर कहलाए जाते हैं बस। साथ साथ में ये भी कहा कि अगर हम रोष में आ गए तो हम काम नहीं करेंगे, ना हम किसी को काम करने देंगे। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को ये दिखाएंगे कि हम भी हैं, हमारे भी कहीं देखा जाए तो हमारे भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, हमारे भी मायने हैं। क्या वाकई में इस तरह से जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात चलती है, जब बात की जाती है महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देने की, वहाँ इतनी महिलाएं जो है रोष के लिए यहाँ संघर्ष आंदोलन लेकर आई है, क्या लगता है, क्या ये सही है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।